मंडियों में सरसों की आवक शुरू हो गई है। हालांकि सरसों का दाम MSP से कम मिल रहा है, जिससे किसान परेशान हैं। सरसों के भाव MSP से कम मिलने को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भड़क गए हैं। उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया है। राकेश टिकैत ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, पहले आलू और प्याज के किसान को मंदे ने रुलाया, अब सरसों MSP से 800 रुपए कम खरीद कर किसानों को सरेआम लूटा जा रहा है। मोदी सरकार चुनावी वादों से फिर किसान मजदूर को बरगलाने लगी है, इसलिए BKU चाहती है कि MSP गारंटी कानून, लड़ेंगे जीतेंगे। टिकैत ने अपने ट्वीट में PMO इंडिया को भी टैग किया है। बता दें कि सरकार ने 2023-24 के लिए सरसों का MSP रेट 5650 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, लेकिन कई जगह से सरसों MSP से कम दाम पर बिकने की खबरें आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को 400 से लेकर 700 से 800 रुपए तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि अभी MSP पर सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है, अभी केवल अनाज मंडियों में ट्रेडर्स के जरिए ही सरसों खरीदी जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।